और हम लोगों की बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है, हम बर्दाश्त करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, लिमिट पार हो जाती है तो फिर हम एक्शन ले लेते हैं। अभी 15 दिन पहले का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट में आया था, एक आदमी ने अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया था। सर जज ने पूछा तैने इसका हाथ क्यों तोड़ दिया, बोला जज साहब ये मुझे गालियां देती है। अब जज भी आखिरकार बेचारा पति होता है, उसने कहा कि देख गालियां देने पर क्रोध आ सकता है, वैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, वैसे ये घरेलू हिंसा का मामला है, अगर तूने आज के बाद इस पर हाथ उठाया तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। 4 दिन बाद वही आदमी उसी पत्नी का दूसरा हाथ तोड़कर उसी जज की अदालत में पहुंच गया। जज ने कहा तुझे 4 दिन भी सबर नहीं हुआ, अब उस पति का बयान सुनना और अगर दिल दहल जाए तो एक बार पतियों की करुणा को अपने हाथों पर रख लेना। बोला जज साहब आपने मुझे हिदायत देकर छोड़ा, मुझे मेरी गलती महसूस हुई, मैंने गम गलत करने के लिए यूपी बॉर्डर में प्रवेश करके 2 पैग लगा दिए। जब पैग लगा के मैं घर पहुंचा तो मुझे देखते ही बोली आ गया पी के शराबी। मैंने मन में सोचा जो आदमी शराब पीकर आएगा उसे बेचारी शराबी नहीं कहेगी तो क्या कहेगी। मैंने बर्दाश्त किया साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मुझसे बोली तेरे जैसे आदमी को तो मौत आ जानी चाहिए। मैंने फिर सोचा बेचारी मुझसे बहुत ही दुखी होगी, वरना कौन पत्नी खुद को विधवा करना चाहेगी। मैंने फिर बर्दाश्त किया साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मुझसे बोली उस जज में जरा सी भी अकल होती तो तुझे फांसी चढ़ा देता। बस जज साहब अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं। हमारे यहाँ झगड़े होते नहीं है घरों में, ये मेहमान लोग करवाते हैं। अभी हफ्ते भर पहले डॉक्टर साहब मेरे घर आए, मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ था, देखकर भावुक हो गए, बोले चिराग जैन तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मैंने कहा जी खाक राम सीता जैसी है, ना ये धरती में समाती ना इसे कोई ठाके ले जाता। तो कैसे हमारा दाम्पत्य जीवन चल रहा है ये सिर्फ हम जानते हैं, इन कष्टों को कोई महसूस नहीं कर सकता, पूरी दुनिया रिसर्च करके मर जाए। आज पटना वालों को बता देता हूँ हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन पर बहुत बातें होती हैं, क्यों होती है आज उसका बेसिक कारण बता देता हूँ साहब। हमारे यहाँ एक परंपरा है पति और पत्नी में कितना भी प्रेम हो 24 घंटे में एक बार झगड़ा जरूर करना है, ये नियम है। बाद में ये नियम टूट ना जाए इसलिए इस कार्यक्रम को सुबह सुबह निपटा लिया जाता है। आदमी झगड़ा करके काम धंधे पर निकल जाता है, औरत घर में कुड़ती रहती है, सोचती रहती है, सोच सोच के सुबह के इतने से झगड़े को शाम तक इतना बड़ा बना लेती है। एक भाई साहब झगड़ा करके निकल गए, इससे पेमेंट लेनी है, उसका माल जाना है, इसका ट्रक आना है, उसका चेक जाना है, इसमें सुबह का झगड़ा भूल गए। शाम को मौसम रोमांटिक हुआ, भाई ने घर पे फोन किया, डार्लिंग डिनर में क्या बना रही हो, अगली तो भरी बैठी थी। बोली जहर। बोले अच्छा मैं लेट आऊँगा तू खा के सो जाइए। अच्छा ऐसा नहीं है औरतों के बारे में मैं बिल्कुल तार्किक बात बता रहा हूँ। पिछले दिनों एक बच्चे से मैंने पूछ लिया बताओ जलेबी को स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं, बोला जी क्योंकि ये टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। समझ रहे हैं, बात समझ आ जाए आनंद ले लेना। मैंने कहा चांद जैसी सुंदर, बोला ना रात में तो दिखाई दे। तो बच्चा बच्चा जान गया साहब अब किस चीज़ की कब ज़रूरत होती है, तो आवश्यकता के अनुसार खाओ, पीछे आई समझ इन्हें देर में। लेकिन साहब इन आवश्यकताओं के तरीके से हम लोग अपना काम कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि राजनीति पर कोई ना बोले, राजनीतिक चोले उतार कर बैठे हैं, हम दिल्ली से आए हैं साहब, हम तो राजनीति पर बोलने लायक बच्चे ही नहीं है। चाह के भी नहीं बोल सकते साहब, दुनिया समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री चुनती है। बेटा जन्मदिन निकाले कल बस। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, दोनों एक साथ ही बाहर निकल चलेंगे अपना काम। लेकिन साहब मैं बताऊं, उन्होंने मुझे समझा दिया है कि इस तरीके की बातें उनके बारे में मत करो, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। किस चीज का क्या सदुपयोग करना है इस पूरी भारतीय राजनीति में सिर्फ एक आदमी जानता है, वो है अरविंद केजरीवाल। अभी हफ्ते भर पहले दिल्ली में आंधी तूफान आया तो भाई साहब सिविल लाइन्स में अपनी कोठी में एक पेड़ से चिपक गए घबराकर। आधा घंटे बाद जब तूफान शांत हो गया तो
पसीना पोंछते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। ऐसा सीएम हम ही टॉलरेट कर सकते हैं, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस आदमी का जो सदुपयोग हमने किया है, ये भी चैलेंज कर रहा हूं, आप लोग नहीं कर सकते। सारी ऊर्जा सारी मेधा लगा लेना, ये प्रयोग नहीं कर सकते साहब। अभी होली पर निकला मैं घर से बाहर, एक दुकान पर लिखा होता केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा ये क्या कलेश है भाई? बोले कि अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल। मैंने कहा कितने का है? बोला 5,000 रुपये का 10 ग्राम। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो 5,000 रुपये का 10 ग्राम बेच रहा है? बात समझ आ जाए तो जरा सारे व्यवधान को छोड़कर इधर देखना। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो 5,000 रुपये का 10 ग्राम बेच रहा है? बोला कुछ नहीं साहब, एक बार लगाकर छोड़ दो, हर 10 मिनट में रंग बदल लेता है।